चुनावी नतीजों के बाद दिए जा रहे बयान है, आने वाले चुनाव को देखते हुए दिए जा रहे बयान है। गिरिराज सिंह ने जो कुछ कहा उस पर आपकी राय। देखिए, मुझे लगता है कि जब चुनाव होते हैं तो कोई भी बयान कहा जाता है कि चुनाव को देखकर, अब मुझे तो गिरिराज सिंह ने याद है कि कब ऐसे नहीं बोलते हैं, तो गिरिराज सिंह तो ऐसे ही बोलते हैं, मुझे तो नहीं ध्यान में आ रहा है जब से मैं उनकी राजनीति देख रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि उससे महत्वपूर्ण है कि हम इस पर बात करें कि जो उन्होंने कहा या योगी आदित्यनाथ ने कहा उसमें सच है या नहीं। क्या ये सच नहीं है कि जहां भी मुस्लिम मेजोरिटी होती है वहां कानून का राज दूसरी तरह से चलने लगता है? हम ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी तो हमें याद है ना, जब ताजे मूल ने पश्चिम बंगाल में एक महिला को पीट पीट कर, और उसका एक साथी था, उसको पीट पीट कर सड़क पर न्याय दिया, तो क्या कहा गया? पश्चिम बंगाल के एक विधायक ने कहा कि मुसलमानों में तो इस तरह से न्याय दिया जाता है। क्या हमें ये नहीं पता है कि झारखंड के कई जिलों में जहां मुस्लिम मेजोरिटी हो गई वहां शुक्रवार को छुट्टी दी जाने लगी, कहा गया कि अब शुक्रवार को स्कूल बंद करो। हमें ये नहीं पता है कि जहां मेजॉरिटी है वहां जबरिया बच्चियों के ऊपर हिजाब थोप दिया जाता है। और इस सब से इतर हम 75 वर्ष के स्वाधीन भारत में आज बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी जैसे ही आप कहते हैं कि एक बराबर कानून लागू होगा तुरंत सवाल आता है कि ये तो मुस्लिमों का जो उनका अलग कानून है उसके ऊपर कुछ हमला है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कौन बनेगा, पोस्टर गर्ल, अब हिंदुत्व हर्षवर्धन जी, तो क्या आप गिरिराज सिंह की इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं कि जहां मुसलमानों की 10% आबादी बढ़ी वहां पर सामाजिक संतुलन बिगड़ा, सामाजिक हालात बिगड़े, वो ये कह रहे हैं, आप इससे सहमत हैं क्या? नहीं, बहुतायत इससे सहमति है। गिरिराज सिंह के कई बयान ऐसे होते हैं जिससे सहमति नहीं हो सकती, कई बार वो बड़े आक्रामक दिखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये देश हिंदू मुसलमान सबका है और किसी के ऊपर कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये तो सच है ना कि जब कट्टर मुसलमान बढ़ता है तो जो सामान्य मुसलमान है, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो चाहता है कि जैसे हम रहते हैं, जैसे हम भारत में रहते हैं ऐसे रह पाए, उसके ऊपर नाना प्रकार की बंदिशें थोपी जाती हैं, फिर शरिया कोई बताने लगता है, फिर मदनी जैसे लोग आ जाते हैं, फिर और ऐसे लोग आ जाते हैं। नहीं तो, लेकिन ये जो सिलसिला जारी है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इससे तो फिर समाज में बंटवारा और बढ़ेगा और जमकर हिंदू मुस्लिम होगा, हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारा और ज्यादा बढ़ेगा। आप खुद ही कह रहे हैं कि इसका कुछ इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। अब अगर उसके जवाब में इस तरह के बयान दिए जाएंगे कि जहां इनकी आबादी 10% बढ़ी तो सामाजिक हालात बिगड़ जाएंगे, तो फिर उससे फ्रिक्शन तो और बढ़ेगा ना। एक मिनट जवाब साहब, एक मिनट समीर जी, हर्षवर्धन, इसको अगर हम नेताओं की तरह बात करेंगे तो दिक्कत होगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कोई आक्रामक बयानबाजी होनी चाहिए। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हिंदू मुसलमान करने से इस देश का बुरा ही होने वाला, भला नहीं होने वाला। लेकिन क्या जो समस्या है उसको आंख मूंद ले। सैयद जवाद तो बढ़िया सज धज के चले आते हैं टीवी पर, लेकिन अपने ही समाज के दूसरे लोगों को बुरे हाल में रखना चाहते हैं। खुद के लिए तो बढ़िया नेशनल टेलीविजन हो, बढ़िया सब व्यवस्था हो, और अगर कोई और इनके परिवार के दूसरे लोग हैं तो उनके लिए नहीं बढ़िया हो। कानून एक बराबर रखिए ना आप। असली समस्या क्या है कि इस देश में हिंदू मुसलमान को बांटा गया है। आप अगर पाकिस्तान वाला मुसलमान रखना चाहते हैं तो फिर तो ये खतरनाक है। आप अफगानिस्तान वाला मुसलमान रखना चाहते हैं, मुझे लगता है बांटा गया नहीं है, चुनाव से एन पहले बांटने की कोशिश होती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अब अगर कहीं किसी मुसलमान ने कुछ क्राइम किया या कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी सैयद जवाद यहाँ पर कैसे ले सकते हैं? जिस तरह से आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि भाई गोरक्षकों ने चरखी दादरी में किसी को पीट पीट कर मार डाला, किसी आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी, उसकी जिम्मेदारी कोई दूसरा उसी समाज से ताल्लुक रखने वाला कैसे ले सकता है? समीर अलाउ मी टू स्पीक। नहीं, उनको तो फूल माला कहना चाहिए। जो लिंचिंग करते हैं उनको फूल माला कहना चाहिए, जो बलात्कारी होते हैं उनको फूल माला कहना चाहिए। साइकोलॉजी के लोग, मानसिकता के लोग, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बात कर रहा है और बुलडोजर नीति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? मिलाइए नहीं, सारे इश्यूज को मिलाइए नहीं जी। वो जवाब साहब हो गई आपकी बात। हर्षवर्धन जी जल्दी से कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर धनंजय जी के पास जाना है जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं समीर भाई कि इस देश में बड़ा साफ था, जिनको मुसलमानों की तरह रहना था वो गए पाकिस्तान। आप ही लोग, सब लोग कहते हैं ना कि सेकुलर नेशन है, हालांकि मैं ये मानता हूं कि सेकुलर की असली परिभाषा तो ये सबका सम्मान करो। कहते नहीं, मुसलमान को थोड़ा अलग से देखो। क्यों अलग से देखो भाई?
ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से कोई हिंदू बयान देता है, कोई मुस्लिम बयान देता है, इस देश की जो संस्कृति है, इस देश का जो रहन सहन है, इस देश में जो रहते हैं उसके हिसाब से रहे, मुसलमान को उसके जो मजहब के आधार पर पूजा उपासना जो भी करते हैं उसमें किसी पर किसी को कोई एतराज नहीं उठा सकता, संविधान सबको इजाजत देता है। लेकिन जब आप इस तरह की बात करते हैं कि इनके लिए जरा अपीच का एक कानून बना दीजिए, इनके लिए एक बराबर कानून नहीं रखिए, हमारे पर्सनल लॉज अलग रखिए, और फिर जब आप कहते हैं कह रहे नहीं नहीं वो तो ठीक है जनसंख्या की जैसे ही बात करो, ठीक है एक एक कर अपनी बात रखिए। भारत विविधताओं का देश है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, यहाँ तरह तरह के जो है जातियां हैं, तरह तरह के जो है मजहब है, मानने वाले हैं, मान्यताएं हैं, भारत विविधताओं का देश है। लकड़ी से काट दिया जाए ठीक है, पॉसिबल नहीं है देश के अंदर। नहीं ठीक है, कीर्ति निधि पांडे जी, जिन विविधताओं पर अभिमान किया जाता था अब उन्हीं को लेकर इस तरीके की डिबेट्स हो रही हैं, चर्चा हो रही है, क्योंकि इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। उस पर आप धनंजय जी को सुन रहे थे जो सीधे तौर पर कह रही है, तो फैक्ट है।